बहुत सारे बच्चे त्रस्त रहते हैं उन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं बहुत सारी क्वेरीज होती हैं इन रिलेशन टू हम इस टॉक्स के अंदर उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को उठाते हैं और उन पे डिटेल डिस्कशन करते हैं ताकि वो सारे पहलू वो सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर कर सकें जहां आपकी कंफ्यूजन है मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूं आज जहां पे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं क्लैरिटी भी चाहते हैं टाइम्स की कितनी और कितनी एग्जाम्स मिलती है एसीसीए में येस माई फ्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट ए सी सी एग्जाम टू वेरियस स्टूडेंट्स हम इस एपिसोड में ए सीसी एग्जामेश को डिटेल में समझेंगे कि, कि किस लेवल पे कौन कौन सी एग्जामेश होती हैं और किस किस बच्चे को कौन सी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो सारी एग्जामेश मिल सकते हैं हमने यहाँ पे इंडियन कोर्सेस को भी कवर करने की कोशिश करी है और मोस्ट वाइडली जो इस क्वेरीज आती हैं वो वाले इंटरनेशनल कोर्सेज पे भी बात करने की कोशिश की है जहां पे हम ये बता पाए कि अगर आपके पास ये ये क्वालिफिकेशन है और आपने ये ये चीजें ऑलरेडी ले रखी हैं इन टर्म्स ऑफ योर ओन ओन अचीवमेंट तो आपको ए के ये सारे पेपर एग्जाम हो जाएंगे ये क्वेरी हमारे पास डे इन एंड डे आउट आती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द्जामिशन और हमारे डिस्कशन फोरम पे भी बहुत सारे बच्चे इस बारे में बात करते हैं तो हमने कहा चलो फटाफट से एक एपिसोड बनाते हैं ताकि हम डिटेल क्लैरिटी आपके लिए लेके आ सकें मैंने इस क्लैरिटी की डिस्कशन के लिए अपने साथ दिशा चौहान मैम को बुलाया है जो कि खुद भी ए हैं और हमारे साथ फिंट्रैम में फैकल्टी भी हैं फ्रॉम ऑफ वेरियस से सब्जेक्ट्स उन्होंने खुद भी एग्जीबिशंस ली थी और खुद भी ये जर्नी करी हुई है तो, तो वी थॉट इट इज ऑल द मोर वर्थ कि उन्हें यहां लाया जाए और उनसे उनकी जर्नी के साथ साथ डिटेलिंग ली जाए कि किस बच्चे को किस लेवल पे कौन सी एक्सामिशन अवेलेबल है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो चलें दिशा मैम के पास डिस्कशन शुरू करें बट उससे पहले यू हैव टू टू गो एंड सब्सक्राइब चैनल ग्लोबल ताकि आपके पास ये सारे टॉक्स फटाफट से पहुंचे और आपकी सारी कंफ्यूजन को खिलकर डालें चले दिशा नाम के पास बिल्कुल हाय दिशा वेलकम थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन इट इज ऑलवेज प्लेज़र टू हैव यू हियर वेलकम अगेन थैंक यू सर हाय सर ग्लैड टू बीयर ऑलवेज अयर Thank you. So, Disha, of course, you know, we have of course given your introduction again and again, but ek bar dubara se aapka introduction to Bantaye. So, why don't you want to really give your introduction and then we'll kick start one of the most important topics? Sure, sir. Hi everyone. I am ACC Disha Chauhan, a proud FinTrammer and lead faculty at FinTram. I'm also a mentor and faculty for ACC students. I also have work experience in working in various big fours in the past. यस yes. और एक चीज मैं और बता दूं बच्चे आप लोग जो भी दिशा मैम की क्लास देखना चाहते हो आप फटाफट से फिन डॉट कॉम पे जाके मैम की क्लास देख सकते हो मैम बहुत ही शिद्दत से ए सी सी एक स्टूडेंट का काम करती हैं उन्हें क्लियर कराने के लिए उन्हें वहां पहुंचाने के लिए उन्हें वो डायरेक्शन देने के लिए जो मैडम ने खुद चूज करा बहुत सारी स्ट्रगल करके सो डेफिनेटली यू शुड यू शुड सर्टनली सर्टनली सीयर क्लास एक बार अब तो जरूर बनता है दिशा, मैं ये सेशन जो आप, आपको पता ही है बिकॉज मैं जब आपके पास आई अप्रोच यू टू डिस्कस ऑन दिस एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत सारे बच्चों को तंग करता है वो तंग करता है एसीसीए में एग्जाम्शन एसी सी ए बहुत लेवल पे बहुत सारी एग्जाम्शन ऑफर offer करता है जिस वजह से स्टूडेंट को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ परस्यूइंग दिस कोर्स बट बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने ये किया हुआ है तो मुझे कितनी एग्जामेशन मिलेंगी किस चीज की मिलेगी किस चीज की नहीं मिलेगी तो वी थॉट दैट इट इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू एंड मी शुड रियली कम अग एंड टॉक ऑन दिस एंड जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं उन्हें सबको किल करते हैं अच्छे से तो आज हम उस पर बात करेंगे बट बिफोर हम उस उसपे चले सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है बच्चों के लिए जाननी जरूरी है वो ये है कि ए ए में टोटल बच्चे एग्जाम कितने होते हैं कितने लेवल्स हैं और कितने एग्जाम्स हैं दिशा फटाफट से पहले वो बताओ फिर हम चलेंगे एग्जाम्शन के ऊपर बिकॉज एग्जाम्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके बाद जानना उनके लिए जो ए को परस्यू करने का हाल ही में सोच रहे हैं या ए सो सी में देर आर थ्री लेवल नॉलेज स्किल एंड प्रोफेशनल एंड इन टोटल यू हैव टू गिव ऑल थर्टीन पेपर्स देन हमारा जो फर्स्ट लेवल है यानी कि नॉलेज लेवल उसमें तीन पेपर आते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आफ्टर यू क्लियर दैट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल विच इज स्किल जिसमें हमारे सिक्स पेपर्स आते हैं इसमें है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टैक्स हो गया ऑडेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये सारे पेपर्स है एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसके बाद हम आएंगे हमारा फाइनल लेवल जब आपने ये भी क्लियर कर लिया आप देन एलिजिबल होते हैं टू टू गिव गिव पेपर्स पेपर्स इन योर प्रोफेशनल प्रोफेशनल लेवल लेवल नाउ में यू हैव फोर जिसमें से दो तो आपको मैंडेटरी देने हैं और दो के बीच में आपको चॉइस मिलती है सो so, आपको मैंडेटरी देना पड़ता है एसबीएल स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एंड आपका स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग कॉपरेट रिपोर्टिंग पेपर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं आप एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे सकते हैं या एडवांस टैक्सेशन दे सकते हैं या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे सकते हैं या एडवांस ऑडिटर एंड अश्योरेंस तो इन चारों में से आप कोई भी दो जिसमें भी आपको यू नो स्पेशलाइज करना है आप उसको पिक करके आप उसमें से चूज करके आप उनको दे सकते हैं एंड इन टोटल आपके फिर ये थर्टीन पेपर्स बनते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस थ्री लेवल्स बिल्कुल और अगर आप ओवरऑल कवरेज देखोगे ना तो जो कवरेज है हमारे अगर मैं कंपैरिजन करूं कोई भी इंडियन कोर्स के साथ यू नो लेट इट बी यू नो लेट्स से मैं बी कॉम बोलता हूँ या मैं सी ए बोलता हूँ या सी एम ए बोलता हूँ तो ये सारे सब्जेक्ट ना बड़े सिमिलर होते हैं कोई बहुत डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द कॉन्टेक्स जो हमने यहाँ पढ़ा है या जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर थोड़ा सा नटशल में आपको दूँ नॉलेज लेवल की अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज लेवल पे सबसे पहला सब्जेक्ट आता है जो कि है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी मैं उसे क्लासिक बोलता हूँ कि वो क्लासिक मिक्सचर है हमारे इकोनॉमिक्स का और हमारी बिजनेस स्टडीज का और ऑफ कोर्स उसके अंदर टेक्नोलॉजी का टेंस दिया जाता है एंड you know, पास बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो बच्चे अकाउंटिंग तो ट्वेल्थ में आपने कहीं ना कहीं सीखी ही है वो डेबिट वही क्रेडिट वही बैंक रिकनसिलेशन वही फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट तो वो तो हमारा हो जाता है थर्ड सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना ये बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अकाउंटिंग है जो व्हेन आई आई सेइंग यू नो जहां परफॉर्मेंस को मेजर करते हो उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग करते हो जो हम अगर हम बीकॉम की बात करें तो जिसे हम कॉस्टिंग बड़े बहुत ही लेमेस्ट टर्म्स में बोलते हैं और सारे ही कहते हैं कि कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सर्विस सेक्टर की एंड सो ऑन सो फोर्थ तो कॉस्टिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं इनिशियल लेवल की चीजें वो परफॉर्मेंस जो फर्स्ट लेवल का कोर्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें वर, उसमें हम कवर करते हैं यही कोर्स स्किल लेवल पे जाके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बन जाता है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे अब हम स्किल लेवल पे जाएंगे तो जैसे दिशा नाम ने कहा हमारे पास छह ही सब्जेक्ट है सबसे पहला सब्जेक्ट है यू नो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज जो कि नथिंग बट यू नो नॉर्मल मर्केंटाइल लॉ है और कॉर्पोरेट लॉ का कॉम्बिनेशन है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो जो हम मर्केंटाइल लॉ uh, या जो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं उसका मिक्सचर करके उन्होंने कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ को क्रिएट किया है और इसमें हम यूके का बिजनेस लॉ या यूके का कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं

हमने इंडियन uh, कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह लेते हैं जो हमने यू नो डिटेलिंग में देखा हुआ है, सीखा हुआ है है सीखा यहाँ पे यू यू नो विल अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम साइड ऑफ इट बट ऑल आई कैन टेल यू इज आई सो आई आई हैव गॉन थ्रू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रू यू एस गैप्सोन थ्रू आई एफ आर एस अब अगर आप इन्हें देखोगे तो जो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है सिर्फ डिफरेंसेस समझने की जरूरत है

It's, it's gonna be the ये हुआ बच्चे हमारा नॉलेज लेवल और हमारा स्किल लेवल ब्रॉडली मैंने सारे सब्जेक्ट का एक नक्शल देना चाह आपको ताकि आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिले कि यह है क्या

उसमें कॉस्टिंग भी आएगी उसमें रिपोर्टिंग भी आएगी उसमें भी आएंगी उसमें ऑडिट भी आएगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आएगी उसमें आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आएगी एंड सो ऑन सो बहुत हर सब्जेक्ट किसी ना किसी शेप इनफॉर्म फॉर्मेट में कवर होता है बिकॉज नाउ दे वॉन्ट बी बी स्टडीज ए बिजनेस लीडर तो वो आप चा, आपसे चाहते हैं कि आपको सब कुछ पता हो चाहे डिटेल में ना पूछे वो बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए ताकि आप उन सबको मद्देनजर रखते हुए आंसर कर सको और उसके अलावा वो बहुत सारी स्किल आपसे टेस्ट करते हैं चाहे वो राइटिंग स्किल हो रीडिंग स्किल हो प्रोफेशनल स्किल्स हो एंड सो ऑन सो फोर्थ इसको मैंने अपने सेशंस में में डिटेल कवर किया हुआ है फ्रॉम बिजनेस लीडर स्टैंड पॉइंट अब आते हैं हम बच्चे स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग कितना मुश्किल लगता है ना वर्ड बट बिल्कुल नहीं है देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी थी करी थी

बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर टेस्ट होता है पूरा पेपर ये तो वो बच्चे अगेन एस बी एल और एस बी आर फिर जैसा ने बोला कि चार सब्जेक्ट हैं वो चार सब्जेक्ट में से आपको दो चूज करने होते हैं जो हमने ऑलरेडी स्किल लेवल पे देख रखे हैं ऑडिट को उन्होंने एडवांस ऑडिट बना दिया तो एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस पीएम को उन्होंने एडवांस बना दिया तो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट

स्किल लेवल के मेक्स एट नाइन एंड चार पेपर, दो मैंडेटरी एंड दो ऑप्शनल पेपर। अगर हम अगर ऑप्शन तो देना चाह रहा था मैं आपको ये बताने के लिए कि इसमें एग्जाम कितने होते हैं बट हमारी इस डिस्कशन का मोटिव सिर्फ एग्जाम की डिस्कशन नहीं है हमारी इस डिस्कशन का मोटिव आपको ये बताना है कि एसीसीए किस लेवल पे किस किस सब्जेक्ट की किस किस एग्जाम की एग्जिमिशन देता है वो एग्जिमिशन का मतलब क्या है एग्जिमिशन का मतलब यह है कि वो आपसे कहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया हुआ है और हम आएंगे वो क्या क्या कह रहा है आपसे तो आपको ये पेपर ए में देने की जरूरत नहीं है फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक्स वाई जी कोर्स किया हुआ है और वो आपसे कहता है इसके बेसिस पे आपको ये सारे सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है तो वो पेपर आपके लिए एग्जाम हो जाते हैं और आप बाकी एग्जाम देंगे और बाकी एग्जाम करके फटाफट से एसीसी क्लियर करेंगे हम आज उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस क्वालिफिकेशन पे कितनी एग्जामेशन अवेलेबल हैं ताकि आपको कोई भी रिलेटेड डाउट इससे हो अगर आपके मन में तो वो हम अच्छे से दूर कर सके और फिर भी अगर कुछ है जाए तो आपने घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं आपने फटाफट से फिल्ट के डिस्कशन फोरम पे आना है अपनी क्वेरी को रेस करना है और इतने सारे जो मेंटर्स बैठे हैं वो फटाफट से जुट जाएंगे आपको सारी की सारी हेल्प करने के लिए तो चलें दिशा मैम से पूछते हैं आप कि मैम एक एक करके बताओ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो किस लेवल पे कितनी एग्जामेशन है सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बहुत और बहुत नटखट बच्चों की जो है हमारे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स बीकॉम स्टूडेंट्स उन्हें कितनी एग्जाम्पन्स मिलती है दिशा मैम so if you have completed bcom those students are eligible for four exemption तो नॉलेज लेवल के आपको तीनों पेपर्स का और स्किल लेवल का फर्स्ट पेपर जो कि कॉपरेट एंड बिजनेस लॉ है इन चारों से आपको एग्जेम्शन मिल जाती हैं सो यू कैन स्ट्रेट अवे मूव टू बाकी स्किल लेवल के पेपर्स देने के लिए आपको ये चार पेपर्स देने की जरूरत नहीं है दोबारा तो इफेक्टिवली मेरे पास बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम हो गया अगर आप ग्रेजुएट हो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एग्जाम हो गया

लेकिन अगर आपने किसी और फील्ड में अंडर ग्रेजुएशन किया था और एम फाइनेंस किया था तो आपको तीन मिलते हैं एग्जामेश नॉलेज लेवल के लेकिन अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो वो ओवरलैप ही हो रहा है, तो आपको MBA कोई नहीं मिल रहा है। अच्छा एम बी ए नहीं किया होता सॉरी बीकॉम अगर नहीं किया होता और एम फाइनेंस किया होता एम फाइनेंस किया होता तो मेरे को तीन पेपर पहले एग्जाम हो जाते बट क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ है तो इफेक्टिवली मुझे चार पेपर एग्जामेशन बीकॉम देता है तो बीकॉम के बेसिस पे मिल रही है और मैम अगर मैंने बीकॉम भी नहीं किया मैंने एम बी ए भी नहीं किया मैंने बीबीए किया आप अगर तो, मैंने सिर्फ BBA किया है और मैं फिर सोच रहा हूँ करने के लिए तो तो बीबीए के लिए आपको एक एग्जामेशन मिलता है तो चार पेपर एग्जाम तो कॉम्बिनेशन कोई भी बिठा लो बट अगर आपने बीकॉम किया हुआ तो आपको चार पेपर तो एग्जाम हो ही जाएंगे बिल्कुल yes, क्लियर है मैम थैंक यू अब हम चलते हैं थोड़ी सी एक सीडी और बढ़ते हैं हम सीडी और बढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सी शुरू कर दिया और सीए शुरू करते हुए उन्होंने सीए का आईपीसीसी क्लियर कर लिया बाबा रे सीए का आईपीसीसी क्लियर हो गया अब वो सोचते हैं कि वो एसी से करें तो उनके साथ क्या होगा मैम तो इफ दे हैव क्लियर आईपीसीसी जस्ट

Yeah. और मैम अगर मैंने सी आई पी सी सी के साथ ग्रेजुएशन भी कर डाली होता है ना बहुत सारे बच्चे कह yeah. रहे होते हैं कि सीए आई पी सी सी ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू करते हैं और ग्रेजुएशन पैरल ही खत्म हो जाती है तो अगर ऐसा कुछ yeah. हो जाए तो सो so अगेन आपको उस ग्रेजुएशन के भी एग्जामेशन मिलते हैं सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई प्लस बीकॉम किया है तो आपको आई के ऑलरेडी पांच एग्जामेशन मिल रहे थे एंड बी कॉम का रिमेम्बर चार एग्जामिशन थे तो एफ बेसिकली आपको स्किल का एक फर्स्ट पेपर है उसका एग्जामिशन भी मिल जाता है क्योंकि बाकी तो आपके बीकॉम और आई के ओवरलैप कर ही रहे बट आपको सिक्स एग्जामिशन मिल जाता है आई पी सी सी प्लस बीकॉम में सो आपके पहले तीन नॉलेज uh, लेवल के पेपर एग्जाम स्किल अगर बीकॉम भी कर डाला और आई भी कर डाला तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देना, एंड uh, टेक्नोलॉजी भी नहीं देना, uh, भी नहीं देना, भी नहीं देना और, uh, और तो छह पेपर एग्जाम है। क्लियर किया हुआ है। है। मैम इससे अच्छी बात क्या होगी ना अगर मैंने इतने सारे पेपर मुझे एग्जाम हो जाएंगे तो मुझे पेपर देने ही सिर्फ सात हैं और सात पेपर क्लियर करके फटाफट से बन जाना है इसीलिए काफी रिकग्नाइज you know, uh, uh, काफी चीजों को रिकग्नाइज करता है कोर्स दैट इज द रीजन यू नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स रियली लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आपकी करंट एजुकेशन को ये इतने सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है अच्छा मैम थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम बच्चे को ना और सीनियर कर देते हैं आपके लिए मैं बहुत सारे प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन लेके आ रहा हूँ जैसा मैम आपके लिए बिकॉज ये चीज ना प्रॉब्लम ही ऐसी है कि बच्चों के पास ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं पूछने के लिए ऐसे कॉम्बिनेशन में वो लोग ऑलरेडी लो होते हैं

वाव। तो पूरा नॉलेज एग्जाम पूरा स्किल एग्जाम फटाफट से प्रोफेशनल लेवल के चार एग्जाम दो एस बी एल एस बी आर और फटाफट फड़ से ऑप्शन चार में से दो चुनो और फटाफट फड़ से ए सी सी ए भी क्लियर कर लो अपनी साथ वेरी गुड मैम अब मैम एक ना मुझे और भी कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है काफी बच्चे आपके पास शायद आपके पास भी आते होंगे वो ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो सीए uh, तो नहीं कर रहे थे बट सीएमए कर रहे थे उन्होंने CMA करी अब अब करके उन्होंने CMA qualify भी कर ली तो उनको जिन जो जिन्होंने किया होता है एंड so, अगर, अगर आपके लेस देन फाइव एक्सपीरियंस है तो आपको सिक्स एग्जामेश मिलते हैं uh, आपको पहले अगेन नॉलेज लेवल के तीन पेपर्स हट गए स्किल का भी फर्स्ट पेपर हट गया एंड आपको And tax से जो है एग्जामेशन मिल जाता है so आपके हो जाते हैं। अगर आपने सी ए में इंडिया किया है लेकिन आपके पास फाइव इन ऑफ एक्सपीरियंस भी है इन द रेलिवेंट फील्ड देन आपको नाइन एग्जामेशमिलर टू जो सी को मिल रहे थे यानी की सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स आप देने पड़ेंगे वेरी गुड तो यहाँ पे सीएमएस के साथ एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप फाइव ईयर्स प्लस आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट को एग्जामेशन मिलता है उतना आपको भी मिल जाएगा नाइन पेपर आपके एग्जाम हो जाएंगे और आपको बाकी के चार पेपर देने हैं बट अगर आपका फाइव ईयर्स का वर्क नहीं है तो आपको सिक्स पेपर एग्जाम होते हैं जो आप जैसा आपने कहा कि यू नो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बी जो कि फर्स्ट नॉलेज लेवल का है और कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ जो कि इसके लेवल का फर्स्ट है और आप बोल रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और आपने बोला एक और टैक्स तो टैक्स भी हो जाता। तो जाता ये छह पेपर एग्जाम हो जाते हैं और बाकी एग्जाम आपको देने हैं वेरी गुड अच्छा मैम एक चीज ना मैं और बच्चों को बताना चाहूंगा यहाँ पे जो काफी सारे बच्चे ना इससे त्रस्त होके यू नो बहुत परेशान भी रहते हैं और बहुत त्रस्त भी होते हैं कि यू नो वो ऐसी सिचुएशन में है क्या वो क्या करें उन्हें कोई रास्ता मिल जाए तो मैं एक उन बच्चों के लिए वो भी बताया था कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सी ए क्लियर कर चुके हैं और उन्होंने ना मैम सीए फाइनल के तो दिए होते हैं से एक दो तीन चार दिए किसी कारणवश उनके वो अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया या उनका ग्रुप नहीं क्लियर हो पाया या उनका कोई एक सब्जेक्ट में उतने मार्क्स नहीं बने जो मिनिमम चाहिए जिस वजह से उनका वो सी ए फाइनल वाला ग्रुप नहीं होता तो बच्चों एक गुड न्यूज ना आपके लिए यहाँ ये भी है कि इस केस में भी आपको एक्सम्पन मिलती है तो सी ए आई पी सीसी की जो मैम ने एग्जाम्शन बताई विच इज लाइक यू नो

बट आपको स्किल लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट देने की जरूरत भी नहीं है ऐसे ही अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले आते हैं तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी देने की जरूरत नहीं है ऐसे अगर आप कॉस्टिंग में ले आते हैं तो आपको कॉस्टिंग का जो यहां पे जाता है उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी देने की जरूरत नहीं है अगर आपके फोर्टी प्लस मार्क्स सी फाइनल में आ जाते हैं और आप किसी भी कारण से ग्रुप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो एसी उस चीज को भी रिकॉग्नाइज करता है पेपर कहता है नहीं कोई बात नहीं बच्चों आओ ये पेपर एग्जाम है बाकी पेपर दो और फटाफट से आगे बढ़ जाओ है ना बहुत पता की बात बिल्कुल अब दिशा मैम ये तो हमने कवर किए प्राइमरली हमने इंडियन कोर्सेज तो ब्रॉडली मुझे लगता है सारे ही कवर कर डाले राइट या कुछ रह गया दिशा मैम मैं कुछ भूल गया हूँ नहीं नहीं इंडियन कोर्सेज में थे बिल्कुल कवर करती है अब हम ना मैम इंटरनेशनल कोर्सेज की बात करेंगे बिकॉज कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्स कर चुके हैं या यू you नो know, एक स्टेज तक पहुंच चुके हैं हम उनकी भी बात करते हैं बिकॉज वो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी सारी क्वेरीज रेस करते हैं तो उनके लिए भी क्लैरिटी आएगी अब उन बच्चों की बात करें जिन्होंने यूएस सी किया है उन्हें कितनी एग्जाम एग्जामिशंस हैं

इसके अलावा मैम कोई जो मैं मिस कर रहा हूँ यू नो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एनी एनी केस वेयर इन समबडी वुड हैव गॉट एन एग्जेंप्शन और मैंने कवर नहीं किया यहाँ पे ना सो दैट्स दैट्स इट ऑलराइट तो हमने इफेक्टिवली सारे वो केस कवर कर लिए जहाँ जहाँ एग्जेंप्शन मिलती है और जितनी जितनी मिलती है yes, sir, right. अच्छा बच्चों एक चीज ना मैं और बता देता हूँ कि अगर इसके अलावा भी ऐसा कोई केस है जहां पे आपको लगता है कि कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है जिसके बारे में आपको जानना है आपको समझना है और आपको अभी भी नहीं पता कि आपको कितनी एग्जामिशन मिलेगी या हमारी इस वीडियो से आपको लगता है कि कुछ और आपके दिमाग में कंफ्यूजन आई है जो आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं इस वीडियो के लिंक में आपको आ, Uh, पूरा का पूरा एग्जाम्शन से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं आप जस्ट उस, उस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यूल गेट ऑन टू देज वेर एंड यूल गेट टू सी एवरीथिंग इन रिलेशन टू दीज एग्जामेशन वहां पे एसीसी सीसी एग्जाम्शन कैलकुलेटर भी अवेलेबल है आप एसी के एग्जाम्शन कैलकुलेटर के अंदर जाके अपनी करंट क्वालिफिकेशन को डाल के डायरेक्टली उनसे जान भी सकते हो कि मुझे कितनी एग्जाम्शन मिलेंगी

it becomes all the more uh, relevant for the students to really understand from, 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 from professionals like yourself to who, who have already gone through that journey. So, you know, it is all the more, all the more benefit to them. Thank you very much, Disha ma'am. I think it was wonderful, uh, you know, having you here. And of course, we will be uh, getting along in, 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 very, in many more uh, ACCA talks like this. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.